इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग से मुद्रा का अर्थ तथा उसके कार्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुद्रा के प्रमुख कार्य के अंतर्गत सबसे पहले हम मुद्रा का अर्थ तथा परिभाषा को जानेंगे। उसके बाद मुद्रा के प्रमुख कार्य, मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करना, मुद्रा के दोष, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था और अंत में मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुद्रा को देखते ही सबसे पहले हमारे मन में यह विचार आता है, आखिर मुद्रा किसे कहते हैं? तो चलो हम सबसे पहले इसका अर्थ को समझते हैं। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय को साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसे सभी लोग विनिमय के लिए और किसी वस्तु का मूल्य मापन के लिए या मूल्य को संचय करने के लिए स्वीकार करते हैं। अन्य परिभाषा इस प्रकार है। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। कॉल बैल के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य मापन और भुगतान का साधन है। तो ये दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा को राज्य द्वारा घोषित किया जाता है और मुद्रा मूल्य मापन और भुगतान दोनों का कार्य आसानी से करती है। मुद्रा के प्रमुख कार्य, मुद्रा के प्रमुख कार्य को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। प्राथमिक कार्य, सहायक अथवा गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य को हम दो भागों में बांटते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसी प्रकार सहायक अथवा गौण कार्य को हम तीन भागों में बांटते हैं, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य को हम चार भागों में बांटते हैं, साख का आधार, पूंजी की तरलता, अधिकतम संतुष्टि, सामाजिक आय के वितरण का आधार। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, इससे हम सबसे पहले पढ़ते हैं विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम का भी कार्य करती है। आज सभी वस्तुएं तथा सेवाएं मुद्रा के माध्यम से ही खरीदी तथा बेची जाती हैं। मूल्य मापक, वर्तमान समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य को मापा जा सकता है। अर्थात वर्तमान समय में जितनी भी वस्तुएं आज हमें उपलब्ध होती हैं बाजारों में, उन सभी का मूल्य हम मुद्रा में माप सकते हैं। इसके बाद आता है मुद्रा के सहायक तथा गौण कार्य। पहला आ गया इसमें स्थगित भुगतान का आधार। मुद्रा उदार सौदों के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इनका भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है। अर्थात मुद्रा के माध्यम से हम भविष्य में उदार सौदे कर सकते हैं और उनका भुगतान भी हम भविष्य में कर सकते हैं। इसके लिए मुद्रा एक आधार प्रस्तुत करती है। मूल्य का संचय, मुद्रा के द्वारा मूल्य का संचय सरलता पूर्वक किया जा सकता है। भविष्य के लिए मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा के आने के बाद से कोई भी व्यक्ति आज अपनी संपत्ति को बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त कर सकता है और भविष्य के लिए मुद्राओं को बैंक में या कहीं भी संचित करके रख सकता है।
तीसरा मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा विनिमय का एक सरल साधन है, जिसके कारण मुद्रा का हस्तांतरण बहुत ही सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति जैसे भूमि, जमीन, मकान आदि को बेचकर उससे धन प्राप्त कर सकता है या मुद्रा प्राप्त कर सकता है और कहीं दूसरी स्थान पर जाकर फिर नए सिरे से मकान, जमीन, भूमि कुछ भी कार्य वो कर सकता है या खरीद सकता है। तो ये थे मुद्रा के प्राथमिक तथा सहायक या गौण कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य, इसमें सबसे पहले आता है साख का आधार। आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की भांति किया जाता है। मुद्रा को आधार मानकर ही बैंक और आर्थिक क्रियाएं साख पत्र जारी या सृजन करती हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से साख का विस्तार करते हैं। दूसरा आता है पूंजी की तरलता। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन अथवा पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता तथा गतिशीलता बढ़ती है। जैसे कोई व्यक्ति मकान, जमीन या अचल संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में रख सकता है। पूंजी संपत्ति को तरल बनाकर उसमें गतिशीलता लाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मकान, जमीन, अचल संपत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और किसी भी स्थान पर जाकर दोबारा मकान, जमीन, अचल संपत्ति खरीद सकता है। तो इसी प्रकार पूंजी संपत्ति को गतिशील बनाती है। तीसरा है अधिकतम संतुष्टि व उत्पादन का आधार। वर्तमान समय में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करते हैं। अधिकतम संतुष्टि उन्हें तभी प्राप्त होगी जब वे मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात उपभोक्ता अपनी आय जो उन्हें मुद्रा प्राप्त होती है उससे किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदकर अधिकतम मात्रा में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। चौथा, सामाजिक आय के वितरण का आधार। वर्तमान अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप में किया जाता है। उत्पादन के इन साधनों को उनके योगदान का उचित पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है। अर्थात उत्पादन के चार साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन को उनके कार्य के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो मुद्रा के रूप में होता है। मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निवारण। मुद्रा के प्रयोग से दोहरे संयोग की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति की तलाश रहती है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसको इच्छित वस्तु दे दे। ये दोहरा संयोग कहलाता है और इसी को ही मुद्रा ने दूर किया है। मुद्रा छोटे छोटे मूल्यों में विभाजित होती है, अतः किसी भी वस्तु के विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा 1 रुपये, 2, 5, 10, 20, 100, 500 आदि में विभाजित होती है, जिससे हम छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं। मुद्रा के द्वारा मूल्य के हस्तांतरण आसानी से हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या घर आदि को मुद्रा के रूप में बेचकर दूसरे स्थान पर नई संपत्ति आदि खरीद सकता है। अर्थात मुद्रा के द्वारा हम या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपनी संपत्ति को बेच सकता है और उसे मुद्रा में कन्वर्ट करके
दूसरे स्थान पर स्थित संपत्ति को खरीद सकता है। तो यह सुविधा हमें मुद्रा ने प्रदान करी है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति संचय संभव है। आप भविष्य के लिए वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में संग्रह कर सकते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति आज धन को मुद्रा के रूप में जमा कर सकता है और उसे बैंक में रखकर संग्रह कर सकता है। मुद्रा के द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य आज से मापा जा सकता है। आज मुद्रा ने हमें यह सुविधा प्रदान करी है कि हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक किसी भी बड़ी से बड़ी संपत्ति हो उन सब का मूल्य आसानी से नाप सकते हैं। मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान की कठिनाई दूर हो गई है। आज जितने भी व्यापारिक सौदे किए जाते हैं या कोई व्यक्ति भविष्य में किसी के साथ कोई सौदा करता है तो उसका भुगतान की जो कठिनाई वस्तु विनिमय में आती थी वह मुद्रा द्वारा अब दूर हो गई है। हम भविष्य में जाकर किसी भी सौदे का भुगतान मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। तो ये थे मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निवारण। मुद्रा के प्रमुख दोष। जैसे आप जानते हैं कि मुद्रा हमारे लिए अति आवश्यक है। बिना मुद्रा के हम कोई भी कार्य आज नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मुद्रा के अपने कुछ दोष हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, वर्तसंगत। मुद्रा के द्वारा धन के आसमान वितरण के कारण समाज में आज दो वर्ग बन गए हैं। एक बन गया संपन्न वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग, जिसमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। अर्थात संपन्न वर्ग के लोग निर्धन वर्ग के लोगों का हमेशा शोषण करते रहते हैं, जिसके कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है आय व धन के वितरण में विषमता। मुद्रा के कारण आर्थिक साधनों का केंद्रीकरण हुआ है, जिससे समाज में आय व धन के वितरण की विषमता बढ़ गई है। अर्थात अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर हो गया है और गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो गया है, जिससे समाज में दूरियां बढ़ती चले गई है। तीसरा है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। व्यापार चक्र, मुद्रा स्फीति तथा मंदी के कारण अस्थिरता बनी रहती है। अर्थात मुद्रा स्फीति में वस्तुओं की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और मंदी में वस्तुओं की कीमत में बहुत ज्यादा गिरावट। दोनों ही दशाओं में जनता का शोषण होता है। इसलिए व्यापार चक्र मुद्रा की ही देन है, जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है। ऋण ग्रस्तता में वृद्धि। मुद्रा से ऋण लेने की आदत के कारण समाज में लोगों का खर्च बढ़ गया है, जिससे वस्तु तथा सेवाओं की कीमत में तेज या तीव्र वृद्धि हुई है। ऋण ग्रस्तता के कारण लोन ना चुकाने के कारण बहुत से किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज मुद्रा के द्वारा बैंक आसानी से हमें ऋण दे देते हैं, जिसके कारण हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन ऋण ना चुका पाने के कारण आज कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनपे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। व्यापार चक्र। मुद्रा के द्वारा पूरे विश्व में व्यापार चक्र आते हैं, जिससे किसी भी देश की आर्थिक दशा प्रभावित होती है। इसके अनुसार व्यापार चक्र बचत तथा विनियोग के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। व्यापार चक्र किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। व्यापार चक्र में कभी मुद्रास्फीति और कभी मंदी दोनों प्रकार के
व्यापार चक्र आते हैं। तो ये व्यापार चक्र किसके अनुसार तब बनते हैं जब बचत और विनियोग में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो ये थे मुद्रा के प्रमुख दोष। मुद्रा पूर्ति की व्यवस्था। एक देश की मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय है कि चलन की कुल मात्रा, मुद्रा का स्टॉक, मुद्रा आपूर्ति मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को सम्मिलित करती है जो जनता द्वारा वे योग्य मुद्रा के रूप में रखी जाती है। अर्थात इसमें केवल उस मुद्रा को शामिल किया जाता है जो जनता द्वारा खर्च के लिए अपने पास रखी जाती है। केंद्र सरकार के पास रखे गए नगद कोष, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों के पास रखे गए नगद कोष मुद्रा आपूर्ति के अंग नहीं होते, क्योंकि ये कोष देश में चलन में नहीं होते। अर्थात ये मुद्राएं केवल रिजर्व के रूप में बैंकों के पास जमा होती है। एक देश में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत दो तो घटक सम्मिलित किए जाते हैं। पहला हो गया चलन मुद्रा, जिसमें सिक्के और कागज के नोट होते हैं जो जनता के पास मुद्रा के रूप में होते हैं। दूसरा होता है जमा, जो चेक द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा मुद्रा को बैंकों में जमा भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो मुद्रा आपूर्ति में केवल चलन मुद्रा को ही शामिल किया जाता है। भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सन 1977 में मुद्रा की पूर्ति के चार माप M1, M2, M3 और M4 बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं। ये देखिए मुद्रा की पूर्ति के माप, जिसमें हम पहला लेंगे M1। M1 में जनता के पास पत्र मुद्रा एवं सिक्के शामिल होते हैं, इनको हम सी मानेंगे। दूसरा है जनता की बैंकों में मांग जमाएं, जो जनता ने बैंकों में अपने पैसा जमा किया हुआ, इसको DD बोलेंगे। तो इसका जो सूत्र होगा M1 में P+DD, ये शामिल होगा इसमें। इसके बाद दूसरा आता है M2। M2 में पहली M1 वही शामिल होगा जो ये है M1, इसी को हम इसमें शामिल करेंगे। और दूसरा आएगा डाक बचत बैंकों में बचत जमाएं, जो जनता ने डाकघरों में पैसा जमा किया है, इसको बोलेंगे FD। तो इसका सूत्र होगा ये वाला M2। M2 में M1 जो पहला ये आ गया, ये पूरा का पूरा शामिल होगा M1+FD, जो डाक बचत बैंकों में जमा होंगी। इसके बाद आएगा तीसरा M3। M3 में फिर वही पहला M1 आ जाएगा, जो पहला था ये M1 बराबर C+DD, तथा सभी व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की शुद्ध समय जमाएं ED। मतलब जितने भी व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक हमारे देश में है, उनमें जितना भी नगद जमा है लोगों का, वो इसको TD कहलाए। तो इसका सूत्र होगा M3 बराबर M1। M1 यही आ गया, C+DD+TD। TD मतलब व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों में लोगों के जो धन जमा है वो। इसके बाद आ गया लास्ट चौथा M4। इसमें M3 तथा डाकघर बचत संगठनों की कुल जमा है TDP। M3 में ये पूरा आ गया, जिसमें M1 भी शामिल हो गया और तुम्हारा TD भी शामिल हो गया। और इसमें एक नई चीज आई, डाकघर बचत संगठन, जितने भी डाकघर के संगठन है उनमें जितने भी धन जमा है TDP, वो इसमें शामिल होंगे। तो इसका सूत्र हो गया M4 बराबर M3। ये हो गया M3। M3 में दोनों चीजें आ गई प्लस TDP, जिसमें ये शामिल
शामिल हो गया। तो ये थे भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था, जिसको 1977 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, और यही भारत में मुद्रा की पूर्ति है। मुद्रा की मांग। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार जनता मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए करती है। उन्होंने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के साथ जोड़ा है, जिसका अर्थ जनता द्वारा नगद रूप में मुद्रा की मांग है। उनके अनुसार जनता तीन प्रकार की मुद्रा की मांग करती है, जिसमें पहला है सौदा उद्देश्य। व्यक्ति अपने पास कुछ नगद मुद्रा अपने पास रखता है, ताकि दिन प्रतिदिन के खर्च, व्यापार आदि के लिए कुछ न कुछ नगद मुद्रा अपने पास रखनी पड़े। दूसरा, दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा नकदी के रूप में रखना चाहता है, ताकि वह कुछ अप्रत्याशित दुर्घटनाएं, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि के समय उसे नकदी की आवश्यकता होती है। तीसरा, सत्ता का उद्देश्य। इसका उद्देश्य नकदी रूप में मुद्रा की मांग से है, जो बाजार में होने वाला ब्याज या बॉन्ड दरों की कीमत में परिवर्तन होने से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। अर्थात कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सट्टा खेलने के उद्देश्य से मुद्रा की मांग करते हैं, जो बाजार में शेयर मार्केट में कीमतों में परिवर्तन होना या ब्याज दरों में कीमतों में परिवर्तन होने के उद्देश्य से लाभ कमाने के लिए नगद मुद्रा की मांग करते हैं। तो ये थे मुद्रा की मांग जो जनता हमेशा करती है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।